का लॉन्च हुआ है और आइए आप लोगों को बताते हैं कि क्या कुछ खास है इसमें। टू व्हीलर बनाने में दुनिया की नामी कंपनियों में से एक टीवीएस मोटर कंपनी ने शुक्रवार को दोनरा रोड स्थित विक्की टीवीएस में ऑल न्यू टीवीएस जुपिटर 110 लॉन्च किया है। यह स्कूटर नेक्स्ट जनरेशन के इंजन और भविष्य के लिहाज से सेगमेंट में पहली बार पेश किए गए कई फीचर से लैस है। ऑल न्यू टीवीएस जुपिटर 110 ज्यादा के सार को दर्शाता है। ज्यादा स्टाइल, माइलेज, प्रदर्शन, आराम, सुविधा, सुरक्षा और तकनीक से पूर्ण है। टीवीएस जुपिटर एक अटूट साथी के रूप में अपने 65 लाख ग्राहकों की कई तरह की जरूरतों को लगातार पूरा करता आया है। लॉन्च के मौके पर टीवीएस मोटर कंपनी के नॉर्थ बिहार टीएम सेल राहुल कुमार ने कहा, टीवीएस जुपिटर 110 पिछले एक दशक से टीवीएस मोटर स्कूटर पोर्टफोलियो का अगवा कर रहा है। समय के साथ 65 लाख परिवारों ने इस उत्पाद में अपना विश्वास जताया है, जिससे यह भारत के सबसे ऑटो ब्रांड में से एक बन गया है। ज्यादा का फायदा के मूल मंत्र को नए सिरे से तैयार किए गए ऑल न्यू टीवीएस जुपिटर द्वारा और मजबूत किया गया है। मांग पर टार्क देने की क्षमता, उपयोग के लिए ज्यादा जगह, बेहतर ईंधन दक्षता, आज के जमाने का डिजाइन स्कूटर को अपनी श्रेणी में अलग बनाता है। हमारी यह नई पेशकश ग्राहकों को खुश रखना जारी रखेगी। टीवीएस जुपिटर ब्रांड के लिए प्रेम और बढ़ेगा। विक्की टीवीएस के मैनेजिंग डायरेक्टर अभिषेक महासेठ ने कहा कि टीवीएस जुपिटर 110 की कुछ खासियत यह है कि पूरी तरह से नई अगली पीढ़ी से इंजन अगली पीढ़ी का इल्का कॉम्पैक्ट फ्यूचरिस्टिक हाई परफॉर्मेंस वाला इंजन, आईगो असिस्टेंट इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर, आईगी कंट्रोलर, हाई परफॉर्मेंस बैटरी फीचर, बॉडी बैलेंस टेक 2.0 डबल है। नमस्कार इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं विक्की टीवीएस में, जहां जुपिटर 110 सीसी का लॉन्च हुआ है और आइए आप लोगों को बताते हैं कि क्या कुछ खास है इसमें। सर, इस गाड़ी में जितना पता है उतना कम है। खास ही खास है, फीचर्स ही फीचर्स है आपको इस गाड़ी में। जुपिटर की 110 सीसी की गाड़ी, इसका इंजन का पावर 113 सीसी की। दूसरी बात इसमें ये है सर, आपको इसको काफ़ी अलग लुकिंग में बनाया, जो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है दिखने में स्कूटी। ठीक है, आगे हेडलैम्प जो है एलईडी है, डीआरएल हेडलैम्प है एलईडी है, पीछे का जो बैकलाइट है वो भी एलईडी है, इंडिकेटर तक एलईडी है। ठीक है, ब्लूटूथ स्मार्ट कनेक्टिंग आपको मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात क्या है, जो इस गाड़ी में डबल हेलमेट स्पेस डिक्की भी है, जो कि अभी तक किसी भी कंपनी के पास 110 सीसी के गाड़ी में डबल हेलमेट स्पेस का स्कूटी नहीं है। एक आदमी गाड़ी चलाते एक आदमी हेलमेट रखते, दूसरे आदमी तो हेलमेट आपको टांग के जाना पड़ेगा, वो आपको कैरी करने का जरूरत नहीं। इसके लिए आपको डिक्की स्पेस में डबल हेलमेट का स्पेस दे दिया है कंपनी, और फर्स्ट स्कूटी है 110। और इसमें आपको ब्लूटूथ स्मार्ट कनेक्टिंग भी मिल जाएगा, मोबाइल से कनेक्टिविटी भी रहेगा ब्लूटूथ, जिससे आपको गाड़ी चलाते समय किसी का कॉल वगैरह, मैसेज वगैरह, मैप वगैरह भी आपको इसमें चलेगा। ये भी आपको खासियत है। नया टीवीएस जुपिटर का नया मॉडल लॉन्च हुआ है 113 सीसी इंजन के साथ। इसमें कार जैसी सुविधाएं दी गई हैं, जैसे इन्फिनिटी टेल लैम्प दिया गया है और आईगो स्मार्ट टेक्नोलॉजी है, जिसमें 10% ज़्यादा माइलेज देती है गाड़ी। गाड़ी का लुक्स बिल्कुल नया है, जो पुरानी श्रेणी से हटके बनाया गया है। गाड़ी मैट एडिशन में भी अवेलेबल है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ ये गाड़ी आई है। अभी हम लोग फाइनेंस पे ये गाड़ी लगभग 4000 रुपये के डाउन पेमेंट पे गाड़ी दे दे रहे हैं, और एक्सचेंज की सुविधा उपलब्ध है। अगर किसी के पास पुराना कोई भी मोटरसाइकिल किसी भी कंपनी की, या टीवीएस की कोई भी गाड़ी हो, या हीरो की गाड़ी हो, या किसी भी कंपनी की गाड़ी हो, ला करके इसके बदले टीवीएस जुपिटर ले जा सकते हैं। विश्वकर्मा पूजा के दिन हम लोग फुल टैंक पेट्रोल फ्री दे रहे हैं, साथ में एक हेलमेट फ्री दे रहे हैं, और कुछ अलग से भी कुछ गिफ्ट हम लोग देंगे, जो अलग अलग गाड़ियों पे अलग अलग होगा। इसका प्राइसिंग लगभग 90,000 के अराउंड स्टार्ट हो जाता है। बेस वेरिएंट है, फिर उसके बाद एक मिडिल वेरिएंट है, और एक हायर वेरिएंट जिसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह मिलती है। सभी दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि एक बार शोरूम पर ज़रूर आएँ, गाड़ी को कम से कम देखें, टेस्ट राइड लेकर के ट्राई करें, और अपने मित्रों, दोस्तों और रिश्तेदारों को जरूर इस गाड़ी के बारे में बताएं।